हे गाइस, वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज जो है हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का तीसरा जो है लेक्चर शुरू कर रहे हैं, और ये जो है सुपर 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं चार, इसमें पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंध्र प्रदेश, मींस जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोलावरम जो प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हम चलिए इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। यहाँ पर जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी पर ये स्थित है और ये पश्चिम गोदावरी नामक जिले में है। मीन्स जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, साथ में ये गोदावरी नदी पर स्थित है। और अगर हम जिले की बात करें तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है पश्चिम गोदावरी, जहाँ पर ये स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन से राज्य में जो है खगोलीय वेधशाला स्थित है। तो जो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है लेह और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेह। जो भारतीय खगोलीय वेधशाला है इनमें से लेह में स्थित है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा लेह को कौन से राज्य में स्थित किया गया, या फिर किस राज्य में इसको लोकेशन मिली हुई है। जो अभी 2019 में राज्य पुनर्गठन आयोग के थ्रू जो है फिर से दो स्टेट बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जो भारतीय खगोलीय वेधशाला है ये लेह में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं जो वेधशाला है ये लेह में स्थित है, और ये किसके द्वारा संचालित होती है, ये भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के द्वारा संचालित होती है। स्थित कहाँ पे है, लेह में, लेकिन इसका संचालन कौन करता है, भौतिकी, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर द्वारा इसका संचालन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन ए है गुरु शिखर, ऑप्शन बी है धूपगढ़, ऑप्शन सी है पंचमढ़ी एंड डी है महेंद्रगिरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धूपगढ़। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो धूपगढ़ होगा। मीन्स जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है वो जो है धूपगढ़, जो है धूपगढ़ पर्वत शिखर जो है वो सबसे ऊंचा है। ठीक है, अब इसके हम ऊंचाई की बात करें तो ये 1353 मीटर ऊंचा है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। इसकी ऊंचाई 1353 मीटर है और ये एमपी का सबसे ऊंचा स्थान है, और एमपी की जो राजधानी है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि एमपी का कौन सा शहर है जिसे स्वच्छता में सबसे पहला स्थान मिला है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं होता। मीन्स भारत में, यहाँ पे जो नीचे के चार देश दिए हुए हैं इनमें से किस देश से जो है भारत में यूरेनियम का इम्पोर्टेशन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है कजाकिस्तान, दूसरा है नामीबिया, तीसरा है ब्राज़ील और चौथा है मंगोलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्राज़ील। मीन्स जो ब्राज़ील है वहाँ से भारत यूरेनियम का को इम्पोर्ट नहीं करता है। ठीक, अब जो यूरेनियम होता है ये परमाणु संयंत्रों में यूज़ किया जाता है बिजली बनाने के लिए, और ये जो है उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान जैसे देशों से आयात किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम का उपयोग जो होता है ये बिजली घरों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं हम। तो जो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन ए है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी है थार मरुस्थल और सी है दक्कन का पठार, डी है उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्कन का पठार। मीन्स जो दक्कन का पठार है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक स्थान को घेरे हुए है दक्कन का पठार। चलिए हम देखते हैं कि दक्कन का पठार कहाँ से कहाँ तक है। तो जो दक्कन का पठार है ये
हम अगर बात करें तो साउथ इंडिया का जो अधिकतर हिस्सा है उसको कवर किए हुए हैं, और इसके अंतर्गत भारत के 8 प्रमुख राज्य आते हैं। यहाँ पे भारत के प्रमुख 8 राज्य आते हैं, और ये जो पठार है ये भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसे बना हुआ है हमारा भारत, तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है ये वेस्टर्न है, ये जो है ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो इसके बीच में जो यहाँ पे ये क्या है, ये पूर्वी घाट है, तो इसी के बीच में ये जो है स्थित है। और यहाँ पे जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा और जो विंध्य पर्वत है, यहाँ पे विंध्य पर्वत और सतपुड़ा की जो श्रृंखला है ये जो है गंगा के मैदान से अलग करती है। इसे क्या करती है, गंगा के मैदान से अलग करती है। यहाँ पे बीच में अगर हम ऐसे भारत को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, यहाँ पे ऐसे लेके आएं, मीन्स ये हमारा भारत हुआ, ऐसे ऐसे यहाँ पे भारत आया, और इधर ये जो है इसको हम और ऊपर ऐसे लेके जाते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर, फिर ऐसे आते हुए ऐसे यहाँ पे सही समय पर नहीं बन पा रहा, ऐसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में ये यहाँ पे ऐसे हम अगर कर दें तो विंध्य पर्वत और जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये क्या करती हैं, गंगा के मैदान से इसको अलग करती हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित उत्पादों में विचार करो। यहाँ पे 5 उत्पाद दिए हुए हैं, एक है नक्शीकंठ, दूसरा है ईआई लेदर, तीसरा है सृजनी कढ़ाई, सुजनी कढ़ाई, और चौथा है इलकॉल साड़ियाँ, और पांचवा है अरनमुला कन्नड़ी, ठीक है। तो ये सब उत्पाद हैं, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं किन राज्यों से संबंधित हैं। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, और दूसरा है बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरल, चौथा है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक और केरल, और डी है असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। तो यहाँ पे चूंकि अब हमको यहाँ पे इसको क्या करना है, सबसे पहले कि इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे देखो पाँच इसमें प्रोडक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, और डी तो होगा नहीं। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे सिर्फ चार चार राज्य दिए हुए हैं जबकि इसमें ऑप्शन में 5 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। मीन्स जो नक्शीकंठ है ये पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट है, ईआई लेदर तमिलनाडु का प्रोडक्ट है, सुजनी कढ़ाई बिहार का प्रोडक्ट है, इलकॉल साड़ियाँ कर्नाटक का प्रोडक्ट है, और अरनमुला कन्नड़ी जो है ये केरल का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं वही जो है इसका जो इलकॉल साड़ियाँ ये कर्नाटक की हैं, नक्शीकंठ गुजरात से संबंधित है, जबकि ईआई लेदर तमिलनाडु में उत्पादित किया जाता है, तो और जो अरनमुला कन्नड़ी है ये केरल से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोई समुद्री जहाज पश्चिमी तट में कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है तो पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुंचने तक वह किन किन बंदरगाहों पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है मुंबई, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नोर और पारादीप। बी ऑप्शन है मुंबई, तूतीकोरिन, एन्नोर, चेन्नई, विशाखापत्तनम। सी ऑप्शन है मुंबई, मोरमुगाओ, कोचीन, एन्नोर, चेन्नई, एंड डी ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापत्तनम, हल्दिया, पारादीप। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जो है यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। मीन्स अगर कोई जहाज़ पश्चिमी तट में कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करेगा तो इसको कलकत्ता पहुँचने के लिए सबसे पहले मुंबई जाना होगा, मुंबई के बाद कोचीन, कोचीन के बाद तूतीकोरिन, फिर एन्नोर, उसके बाद पारादीप, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे से बाहर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्वी कोल फील्ड बिलासपुर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दक्षिण पूर्वी कोल फील्ड बिलासपुर। ऑप्शन बी है भारत कोकिंग कोल धनबाद। ऑप्शन सी है महानदी कोल फील्ड संबलपुर, और डी है सिंगरानी कोलियरीज कंपनी तेलंगाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये जो है कोयला उत्पादन की जो यूनिट है कोल इंडिया लिमिटेड उसके दायरे से ये बाहर है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये जो है भारत सरकार का क्या है, एक भारत सरकार का एक उपक्रम है। उपक्रम कैसा उपक्रम है, ये जो है माइनिंग का काम करती है, मतलब कि कोयले का जो खनन होता है ये कंपनी करवाती है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है ये कलकत्ता में है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कलकत्ता कहाँ की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा समर्थित
कसांग व सैंज जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है उसने जो है भारत में क्या किया है, कसांग व सैन जल विद्युत परियोजना का समर्थन किया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अब ये कैसा चूँकि बैंक है तो कैसा समर्थन करेगा, फाइनेंशियल जो है समर्थन किया है। अब पूछ रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सी है उत्तराखंड, एंड डी है पंजाब। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ये दोनों जल विद्युत परियोजना हैं ये किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। मीन्स जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा समर्थित दो विद्युत परियोजना कसांग और सैन जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, और पंजाब की राजधानी क्या है। साथ में आप लोग ये भी बताइएगा कि इन चार राज्यों के सीएम कौन हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो सैन जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला जो है वहाँ पे ब्यास नदी है और उसी ब्यास नदी पर स्थित है। जबकि जो कसांग जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है रानीगंज कोयला मीथेन किस राज्य क्षेत्र में स्थित है। मीन्स रानीगंज कोयला मीथेन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, एंड ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। मीन्स जो रानीगंज कोयला मीथेन क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है सबसे पहले तो ये कहाँ पे स्थित है, ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, अब भारत में यहाँ पे इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी ये क्या करता है, कोयले का खनन करता है, और ये 1774 ईस्वी में यहाँ पे खनन का कार्य शुरू हुआ था। सन 1774 ईस्वी में इसमें जो है सबसे पहले कोयले का जो खनन हुआ था वो शुरू हुआ था। तो आज का हमारा ये जो है वीडियो यहाँ यहीं पे जो है ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।